हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ होंगे। तो आज हम लोग का कंटिन्यूटी में एक छोटा सा एक क्वेश्चन है। देखो, मुझे कह रहा है कि इस फंक्शन fx बराबर 2x plus 3 की कंटिन्यूटी x बराबर 1 पे चेक करनी है। तो बच्चे ना, आप देखो, मान लो कि आप अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करो x बराबर 1, ठीक है ना। तो बच्चे ना देख रहा, मुझे इस पे, किस पे, x बराबर 1 पे मुझे इस फंक्शन 2x plus 3 की कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है, ठीक ना। तो आप देखो कि क्या क्या, देखो इस 1 पे या 1 के राइट में, है ना, राइट में। और बच्चे ना आप देखो कि क्या 1 पे या 1 के लेफ्ट में, क्या देखो 1 के, देखो आप अगर छोटा ले रहे हो वैल्यू, तो क्या उसमें फंक्शन अलग आ रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं। अब बच्चे आप बताओ, देखो ना, आप जब यहाँ पे x बराबर क्या ले, 1 ले रहे हो, तो आप बताओ भाई कि क्या x बराबर 1 पे फंक्शन की कुछ और वैल्यू आ रही है? तो नहीं। अब बच्चे आप बताओ, आप जब यहाँ से देखो x के जब राइट में जा रहे हो, यानी कि जब आप x के राइट में जा रहे हो, तो आप चेक करो कि क्या x बराबर 1 के राइट में फंक्शन की कुछ और वैल्यू है? नहीं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब साहब इसका ये हुआ कि x बराबर 1 के लेफ्ट में या राइट में या 1 पे फंक्शन की अलग अलग वैल्यू नहीं है। और लिमिट या कंटिन्यूटी में आप लोग जानते हो कि जब किसी एक पॉइंट के लेफ्ट या राइट या उस पॉइंट पर फंक्शन की केवल सेम वैल्यू होती है, तो इसका लिमिट हम कैसे निकालते हैं? तो हम इसका केवल लिमिटिंग पॉइंट, यानी कि हम इस क्वेश्चन का केवल लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ ना, आपको यहाँ पे लिमिट देखो एस टेन टू वन एफ एक्स फाइंड करना होगा। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेन टू ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कितना दिया है, तो 2x plus 3। देखो अब आप इसी में एक्स वैल्यू 1 रखो, तो 2 into 1 plus 3, तो क्या मिल जाएगा बच्चा, 2 1 2 plus 3, यानी क्या मिल जाएगा, 5। तो देखो ना, यहाँ से मुझे लिमिट एस टेन टू ए एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। और देखो यहाँ से मान लो मैं अगर यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 8 1 निकालू 1 पे, 8x बराबर 1 पे, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 into 1 plus 3, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है बच्चे ना, देखो तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि लिमिट एस टेन टू वन एफ एक्स बराबर फंक्शन की वैल्यू 8 1 पे मुझे क्या मिल रही है, 5, ठीक ना। और यहाँ भी ऐसा कि लिमिट एस टेन टू ए एफ एक्स या एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम मिलती है, तो हम बोलते हैं इसलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ए एक्स बराबर 1। ठीक बच्चे, तो देखो इसको एक ये था तरीका सॉल्व करने का, ठीक है ना। और इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, क्या जी? तो बच्चे देखो यहाँ पे सेकेंड मेथड है ना, इसका एक और मेथड है, लेकिन पहले आप ये जानो, यहाँ लिखो चूंकि एफ एक्स बराबर क्या दिया बच्चा, तो दिया है 2x plus 3, और मुझे इसको कहाँ चेक करना है, एक्स बराबर 1 पे, ठीक है ना। तो बच्चे आप देखो जो यह आपका फंक्शन है क्या दिया हुआ है, तो 2x plus 3 दिया हुआ है ना। यहाँ जो तुम्हारा फंक्शन है क्या दिया हुआ है जी, तो 2x plus 3 दिया हुआ है। और भाई ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन है, डेट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो बच्चे आपको क्या पता है कि हर लीनियर पॉलिनोमियल, देखो ना, हर लीनियर ए पॉलिनोमियल या हर पॉलिनोमियल x के हर वैल्यू के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहां लिखो दैट इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस देखो एट एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरा 2x plus 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो यह अपने अंदर x के हर रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एंड हेंस दैट इज तुम्हारे क्या होगा, हेंस फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x plus 3 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। क्योंकि भाई आप बताओ, अगर मेरा यह फंक्शन x के हर वैल्यू के लिए 1, 2, 3, -1, -2, -3 के लिए भाई अगर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा यह फंक्शन है वह x बराबर 1 पे भी क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक ना। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा